केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाकर राहत दी है। इसके बाद अब लोगों को उम्मीद है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसी तरह की राहत दे सकती है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तेल कंपनियों ने आखिरी बार 21 मई 2022 को पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया था। इससे पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर तक कम हो गई थी। उस वक्त कच्चा तेल 109.51 डॉलर था, जो जून 2023 में 31.57% गिरकर $75 से नीचे आ गया। लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ते नहीं हुए। कंपनियों का साफ कहना है कि 2022 में महंगा कच्चा तेल खरीदकर पेट्रोल डीजल बनाने में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था और वो उसकी भरपाई कर रही, लेकिन कंपनियों के नतीजों को देखें तो वो अब घाटे के रास्ते से मुनाफे की पटरी पर सरपट दौड़ रही। आंकड़े के मुताबिक अप्रैल जून 2022 में तीनों सरकारी तेल कंपनियों को 16,700 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन एक साल बाद अप्रैल जून 2023 में इन तेल कंपनियों को 31,159 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा हुआ। जानकारों का मानना है कि तेल कंपनियों के पास पेट्रोल डीजल में 5 से 6 रुपए की कटौती करने की गुंजाइश है। बीते साल महंगे कच्चे तेल की खरीदारी में भी सस्ते रूसी क्रूड की वजह से कंपनियों को काफी मदद मिली थी। 2022 की पहली तिमाही में दुनिया में कच्चा तेल $131 प्रति बैरल था, लेकिन रूस से भारत को ये $99 पर मिला था। अगर इस साल की अप्रैल जून तिमाही की बात करें तो इस दौरान सऊदी अरब और यूएई ने $86 प्रति बैरल के भाव पर क्रूड की बिक्री की थी, जबकि रूस से ये $70 से भी कम में मिला था। यानी तेल कंपनियों को अब भी $8.8 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल रहा। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी तेल कंपनियों से दाम घटाने के लिए कहा था। जानकारों का कहना है कि सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती का बिल्कुल सही वक्त है। वैसे भी जिस तरह से सरकार महंगाई घटाने को लेकर एकदम गंभीर है, तो फिर इनके दाम कम करना जरूरी है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ने आयात करके टमाटर सस्ते किए, इसके बाद चावल का निर्यात बैन किया और फिर LPG के दाम घटाए। अब फोकस पेट्रोल और डीजल पर है, जो भारी मुनाफा बना रही तेल कंपनियों की राहत देखते हुए संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।